तो रविंदर, बहुत बहुत बधाई आपके अप्रूवल के लिए, वीजा जस्ट बीन थैंक यू सर। अप्रूव्ड। तो जरा शेयर करो एक्सपीरियंस कि कैसा रहा आपका। फैमिली बेस्ड वीजा था आपका, था डिपेंडेंट आपकी वाइफ का था। यस, तो सर फर्स्ट वी वेंट टू द वीएससी फॉर बाय माय बायोमेट्रिक विद माय वाइफ। कहाँ देयर सर शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली। पे था? ओके। देयर द प्रोसेस वाज वेरी इजी एंड इजी गोइंग। जस्ट यू गो देयर एंड गिव द फिंगरप्रिंट एंड फोटो ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा। नेक्स्ट डे वी विल वेंट टू द यूएस एम्बेसी। तो तुम देयर इज अपनी वाइफ के साथ गए थे वापसी के लिए? ओके। यस यस सर। तो दूसरे दिन हम यूएस एम्बेसी गए, वहां पे हाँ तो वो भी दिल्ली में ही था आपका वीजा जी एंट्री? सर, 27th of July मेरा बायोमेट्रिक था, 28th को मेरा इंटरव्यू था, सेम अच्छा। मतलब नेक्स्ट डे था। ओके तो हम वहीं रुके थे सर दिल्ली में, उसके नेक्स्ट डे ओके हम एम्बेसी चले गए। ठीक है। वहां पे कुछ हमारी डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई, पासपोर्ट वगैरह स्टार्टिंग में, फिर हमें अंदर वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया आफ्टर ओके फॉर्मेलिटी। तो ठीक है। अंदर जाके देखा तो बहुत लंबी लाइनें थी और ऑफिसर्स हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें भी मतलब थोड़ी सी अंदर से ये नर्वसनेस आ था कि रहा था। कैसा होगा इंटरव्यू, यस पता नहीं पहली बार यस। फेस कर रहे हैं। साइड बाय साइड हम जो लोग हमसे पहले इंटरव्यू दे रहे थे उनको सुन रहे थे कि इनसे क्या पूछ रहे हैं, कैसे ओके क्या ओके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अच्छा थोड़ी घबराहट थी सर, बट हमने सब कुछ पहले अच्छा ही प्रिपेयर कर रखा था। ओके तो मतलब हमारा माइंड ये सोचने का मौका ही नहीं था कि मतलब बंदे ने क्वेश्चन पूछा ऑफिसर ने तो फटाफटा आंसर निकल रहे थे, क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर थे, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे पहले से, तो हमें जरा भी ओके। सोचने की जरूरत नहीं थी। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाँ, टू कम टू माई इंटरव्यू, फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर रिसर्च इंटरेस्ट। तो आई टोल्ड आई वांट टू डू रिसर्च इन कंडेंस मैटर फिजिक्स, स्पेसिफिकली इन हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर ओके एंड हुज एप्लीकेशन इज टू सोल्व द एनर्जी क्राइसिस। ओके तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सर कि जो वीजा ऑफिसर थे, एक मेरे से पहले कैंडिडेट से भी पूछ रहे थे कि वो जो आप रिसर्च को, क्योंकि उनको नहीं पता कि किस फील्ड से है वो बंदा, वो बस ये पूछ रहे थे कि आप जो रिसर्च करोगे उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। यस हाँ, तो किसी से पूछा, मेरे से पहले किसी बंदे से पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उसने ये बताया। फिर उससे ये क्वेश्चन पूछा, आप इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल बताओ ताकि, हाँ, तो वो मतलब जब आपसे रिसर्च इंटरेस्ट पूछे तो उसका प्रैक्टिकल से जोड़ना थोड़ा सा उनके लिए वो पूछते हैं ऐसा। ताकि मैंने वो फिर बता दिया कि समझ मैं, पाए हाँ सर क्या जी, वो समझ एप्लीकेशन पाए, होता है। क्योंकि हर बैकग्राउंड को वो समझ नहीं पाते। नाम समझ नहीं तो पाते। फिर मैंने ये बताया कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर अगर मिल जाता है तो हमारी एनर्जी क्राइसिस सोल्व हो जाती है, तो ऐसा कुछ करके। फिर बोले व्हाट इज योर बैकग्राउंड इन दिस फील्ड। तो आई आंसर्ड आई डिड माय मास्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन वाज योर प्रोग्राम इज फुल्ली फंडेड, आई से यस। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द ऑफिसर टू मी। एंड वन क्वेश्चन आस्क्ड टू माई वाइफ, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन मैरिड। अच्छा। तो उन्होंने सी रिप्लाइड एंड आफ्टर सम टाइपिंग द ऑफिसर सेड योर वीजा इज अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। एंड यस ही से योर वीजा ऑफ बोथ ऑफ यू इज अप्रूव्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू सर योर रिसर्च। दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द वीजा ऑफिसर, आई थैंक हिम एंड बैक विद एक्साइटमेंट। वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इस प्रोसेस में तुमने तैयारी कैसे की करी? क्या कहना चाहोगे, बताना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स को? तो ये मॉक इंटरव्यू आपने लिया, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड द क्वेश्चनेयर गिवन बाय द लैट डू जीआरई प्लेटफॉर्म। कोई भी क्वेश्चन सर, जैसे मैं और की बाकी स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू सुन रहा था वहां पे, जब क्यू में खड़ा था, वेटिंग एरिया में था, तो ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि जो हम आपने जो क्वेश्चनेयर्स भेजे हैं उनमें से ना हो। बनते वही क्वेश्चंस हैं और हमने उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की भी थी, और ऊपर से आपने हमें एक मॉक इंटरव्यू लिया था, दैट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस। हेल्पफुल।
अदरवाइज सर मेरे साइड में एक दो बच्चे बैठे थे तो वो बड़े नर्वस थे, आपस में बात कर रहे थे, वो फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि मैं नर्वस हूँ ये हूँ, हम आराम से चिल करके बैठे हमारी प्यारी है। बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर। अब फ्लाइट कब है तुम्हारी? कल है सर, कल 9:50। क्या राउट है, कैसे कैसे जा रही है? सर दिल्ली टू दुबई एंड दुबई टू ऑरलैंडो। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा तुम जा रहे हो, वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो गई अभी? सर अभी रहने की तो काफी दिक्कत आ रही है ऑरलैंडो सिटी में, मिल नहीं रही है प्लेसेस, बट मैंने इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपको टेम्परेरी रेजिडेंस भी दे देंगे, बट उनका भी रिप्लाई नहीं आया है। तो पिकअप की भी बात कह रहे थे, तो वो कह रहे हैं सर अभी कि आपको भी पता है कि यहाँ पे थोड़ी रूम की दिक्कत आ रही है इस बार, क्योंकि खाली नहीं है, तो अभी उनका रिप्लाई आना है सर, बाकी हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई होटल देखेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और पिकअप भी हो जाएगा आई थिंक। हाँ जी किसी से टच में हो तो शुड नॉट बी। चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट है, आई थिंक ये थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नीड टू एंजॉय टाइम फैमिली टाइम बिफोर योर मूव टुमारो, विल कनेक्ट सून, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके सर, बाय बाय।